नमस्कार दोस्तों, ड्रूपल 7 हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि हम व्यू का यूज़ करके एक ब्लॉग क्रिएट करेंगे और इस ब्लॉग में अपने कंटेंट की लिस्टिंग शो करेंगे। तो आइए सबसे पहले व्यू पे स्ट्रक्चर पे क्लिक करते हैं। व्यू ये देखिए, व्यू का ये पूरा पैनल खुल गया। यहाँ से आप अपना व्यू ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से ही कोई व्यू का टेम्पलेट है जो ड्रूपल में हो, उसको आप यहाँ से इंपोर्ट भी करा सकते हैं। हम व्यू ऐड करते हैं, एक टेस्ट व्यू जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस। इसमें हम ऑल कंटेंट की लिस्टिंग शो कराते हैं, न्यूली फर्स्ट सॉर्ट बाय, जो सबसे पहले ऐड, जो लास्ट में ऐड हुआ वो सबसे पहले आएगा आपका ऊपर। इसमें हम पेज नहीं क्रिएट करेंगे, ब्लॉक क्रिएट करेंगे। तो ब्लॉक पे क्रिएट करते हैं और यहाँ पर कंटिन्यू एडिट कर देते हैं। ये देखिए, ये इस टाइप से इसकी लिस्टिंग बन के आ गई कि आपने जितने भी कंटेंट अपने प्रोजेक्ट में ऐड किए थे वो इसकी लिस्टिंग यहाँ बन गई। और भी यहाँ कुछ फीचर्स हैं। अगर आप इस का टाइटल, व्यू का टाइटल यहीं से चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं कि आप इस व्यू को क्या नाम देना चाहते हैं। फॉर्मेट यहाँ सेट कर सकते हैं आप। यहाँ अनफॉर्मेटेड लिस्ट आ रही है, आप इसको ग्रिड में कर सकते हैं, HTML में कर सकते हैं। ग्रिड में कुछ इस टाइप से दिखेगा। ये देखिए, एरो रो वाइज। टेबल में आप इस फॉर्मेट को सेव कर सकते हैं, टेबल में इस टाइप से आपको दिखेगा। अभी हम अनफॉर्मेटेड लिस्ट लेके ही चलते हैं। यहाँ फील्ड्स की सेटिंग कर सकते हैं, कंटेंट। अगर आप इन जो कंटेंट आपका ऐड हुआ है और इनके साथ आप इनकी अगर अदर फील्ड्स भी, जो कि आपकी जो इस कंटेंट टाइप में जो फील्ड्स होंगी, कंटेंट टाइप के अंदर, जैसे अभी आर्टिकल के अंदर मैं मैनेज डिस्प्ले में जाऊंगा, मैनेज फील्ड में सॉरी, तो यहाँ मुझको बॉडी, इमेज, ये सब की जो फील्ड्स हैं वो भी आप अपने व्यू में ऐड करा सकते हैं, उनको भी आप शो करा सकते हैं। देखिए, ये आर्टिकल का आ गया। अगर आप ये शो करा देंगे तो आर्टिकल की जो कंटेंट में जो इमेजेस ऐड रहेंगी वो भी नीचे आपकी लिस्टिंग हो जाएगी। हम केवल टेस्टिंग पर्पस के लिए ऑल कंटेंट का व्यू लोड करा रहे हैं, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। और भी इसमें कई फीचर्स हैं, जैसे कि ये फिल्टर क्राइटेरिया कि आपके जो पब्लिश कंटेंट हैं वही यहाँ पर शो होंगे। अगर आप अनपब्लिश कर देंगे तो, नो कर देंगे तो आपके अनपब्लिश जो कंटेंट होंगे वो शो होंगे। शॉर्ट क्राइटेरिया किस टाइप से आप रखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन, डिस असेंडिंग ऑर्डर में रखना चाहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना चाहते हैं, इस टाइप से भी आपको ये फिल्टर मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप पेजर का भी यूज़ कर सकते हैं कि आपको अगर ऑल आइटम एक ही पेज पर दिखाने हैं तो अभी आप यहाँ से सेलेक्ट करके कर सकते हैं। स्पेसिफिक नंबर ऑफ पेजेस करेंगे तो जैसे कि यहाँ पर कितने नंबर ऑफ आइटम आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं अपने पेज पे, तो आप इस यहाँ से वो सेट की सेटिंग करके वो भी कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ पर जीरो कर देता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप जीरो कर देंगे तो सारे कंटेंट आपके लोड होंगे। ये देखिए, जितने आपके वेबसाइट में कंटेंट हैं वो सभी व्यू में लोड होंगे। हम यहाँ पर 5 लेके चलते हैं। अब इस व्यू को हम सेव करा देते हैं। दोस्तों, हमने व्यू के थ्रू ब्लॉग बनाया है तो जाहिर सी बात है उसकी लिस्टिंग जो होगी वो ब्लॉक के अंदर ही आई होगी। तो हम स्ट्रक्चर में जाके ब्लॉक्स में जाते हैं,
जो हमने व्यू यहाँ बनाया है ये देखिए, इस नाम से जो भी बनाया था वो यहाँ पर आ गया। अब इसको हम जहाँ अपनी वेबसाइट पे दिखाना चाहते हैं वहाँ हम शो करा सकते हैं। यहाँ पर वो हम रीजन सिलेक्ट कर लेंगे, साइड बार में रख देते हैं, ओनली फ्रंट पेज, होम पेज के लिए रख देते हैं, सेव। ये देखिए जो हमने लिस्टिंग बनाई थी व्यू के थ्रू, ये पूरी कंटेंट की लिस्टिंग बन गई है। और आप डायरेक्ट यहाँ से, अगर आपको व्यू में कोई एडिट करना है तो आप डायरेक्ट यहाँ से क्लिक करके आप अपने व्यू में एडिट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों। इस वीडियो में हमने कवर किया कि व्यू के थ्रू हम ब्लॉग बनाया और उसकी लिस्टिंग अपनी वेबसाइट में शो की। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।